हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी माध्यम पर विशेष रूप से केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा में, जिसका जो विषय हमने चुना है वो हमारे सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है, जो कि है नैतिकता एवं अभिरुचि। उस पेपर में देखिए 125 नंबर की केस स्टडीज पूछी जाती हैं, जिनको सॉल्व करने में कई बार हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब एक समस्या ऑनलाइन कंटेंट के बारे में मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा, वो ये है कि इंग्लिश मीडियम में कई सारा जो ऑनलाइन कंटेंट है वो अवेलेबल होता है, लेकिन हिंदी माध्यम में हमें इसकी कमी महसूस होती है। जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं कि हिंदी मीडियम में कोई कंटेंट तैयार किया जाए या फिर उस पर कोई वीडियोज़ वगैरह प्रिपेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है हिंदी में कंटेंट को तैयार करना या फिर उस पर डिस्कशन करना। लेकिन हमने यह सोच के रखा है कि हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष रूप से काम करेंगे और उनकी जो बहुत सामान्य सी समस्याएं हैं जो इंग्लिश माध्यम के लिए नहीं होती हैं, हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं दो ऐसे पेपर्स की जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग माने जाते हैं। पहला ऐसे का पेपर और दूसरा सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर, जिसे हम नैतिकता एवं अभिरुचि बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पेपर ही काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि ये दो के दोनों पेपर काफी ज्यादा नजरअंदाज किए जाते हैं छात्रों के द्वारा। जैसे हमें यूं लगता है कि हमें इनमें मार्क्स यूं ही मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन पेपर्स में भी उतनी ही मेहनत करने की जरूरत है जितना अन्य पेपर्स में, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू इक्वल होती है, वो किसी भी पेपर से निकल रहे हों। ठीक है, अब देखिए कि जो मैं हर दिन हिंदू का एनालिसिस करता हूँ, उसकी वीडियोज यहाँ हर दिन अपडेट हो जाती हैं इसी चैनल पर। इसके अलावा मैं राजनीति विज्ञान का जो वैकल्पिक विषय है उसके लिए भी वीडियोज प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसी चैनल पर कुछ लेक्चर्स अपलोड हो भी चुके हैं। तो मैं जब वहां पर निबंध के लिए कोटेशन देता हूं तो वो इंग्लिश में होता है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों ने मुझसे कहा कि वो किस प्रकार से जो इंग्लिश का कोटेशन है उसको अपनी हिंदी के ऐसे में इस्तेमाल कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये निश्चित किया है कि मैं इस केस स्टडीज की सीरीज में हर दिन एक कोटेशन हिंदी माध्यम में निबंध में उसका इस्तेमाल किया जा सके, इस आधार पर रखूंगा। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं कि आज की जो हमारी केस स्टडी है वो क्या है। आज की देखिए ये जो एक केस स्टडी है इस तरीके से है कि आप एक कार में यातायात में फंसे हुए हैं। एक गरीब लड़की आपको अप्रोच करती है, आपके पास आती है और वह आपसे कुछ पैसे मांगती है। वो काफी गरीब है, देखने में भी काफी दया भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए एक कॉमन बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो आप कुछ सामान्य बातों का जरूर ध्यान रखें, ताकि जो आपकी केस स्टडी हो उसका जो जवाब हो वो बेहतर हो। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जो कोई भी सॉल्यूशन या जवाब दे रहे हो वो नैतिक होना चाहिए। पहली बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि आपका जो जवाब है वो नैतिक होना चाहिए, नैतिकता के विपरीत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जवाब जो है वो विधिक रूप से सही होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। ठीक है, विधिक रूप से जो आपका जवाब है वो गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जवाब जो जवाब है वो संवैधानिक उपबंधों के विपरीत नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक उपबंध है उनके विपरीत नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान के आधार पर ही आपका जवाब होना चाहिए। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपका जवाब है वो तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई आप जवाब नहीं दे देंगे जो ग्राउंड पर लाया ही ना जा सके या फिर जो इलॉजिकल हो। पांचवी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जवाब प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, यानी कि व्यावहारिक होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा सैद्धांतिक बात नहीं करेंगे जिसको कि इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आए, जिसको जमीनी स्तर पर लागू करने में दिक्कत आए। आप ऐसा कोई भी जो उपाय है वो नहीं सुझाएंगे। आपका जो उपाय है या फिर जो भी आप समाधान सामने रख रहे हैं वो व्यावहारिक होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जब भी आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो। और छठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप यहां पर लापरवाही बरतते हैं तो निश्चित तौर पर केस स्टडी में आप अपने नंबर खो देंगे। वो ये है कि आप जब भी समाधान दे रहे हो किसी भी समस्या का केस स्टडी में, तो एक तो समाधान आपका अल्पकालिक होना चाहिए। अल्पकालिक मतलब तुरंत जो समाधान हो, तुरंत समस्या का समाधान निकले, ऐसा कोई एक जवाब आपको देना है। लेकिन अगर आप इतने पर ही रुक जाते हैं तो आपके नंबर्स कटने की संभावना बढ़ जाएगी। आपका जो जवाब होना चाहिए वो दीर्घकालिक भी होना चाहिए, मतलब आप जो कोई भी समाधान दे रहे हैं वो लंबे समय के बाद भी उसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक रूप से देखने को मिले, ऐसा आपको जवाब देना है। तो छह बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने यहां पर बताई, मैं उनको फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन छह बातों को अपने दिमाग में रखने के बाद ही केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। पहली बात कि आपका जवाब नैतिक होना चाहिए, दूसरा विधिक रूप से सही होना चाहिए, तीसरा हमारे संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, चौथा तार्किक होना चाहिए,
पांचवा, व्यवहारिक होना चाहिए, जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। और छठवां, आपका जवाब अल्पकालिक हो, यानी कि तुरंत समस्या का समाधान करने में अगर सफल हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन आप दीर्घकालिक जो उसका अप्रोच है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। आपकी समस्या का जो समाधान है वो दीर्घकाल में भी सकारात्मक रूप से लागू होना चाहिए। इन छह बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी केस स्टडी को आप सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए हम अपनी आज की केस स्टडी की ओर चलते हैं। जो आज की हमारी केस स्टडी है वो देखिए क्या है। आप अपनी कार में यातायात में फंसे हुए हैं, आप कार चला रहे हैं, एक गरीब लड़की जो कि आपको बहुत कमजोर दिख रही है वो आपसे भीख मांगती है। उस लड़की की दुखद स्थिति को देखकर आपका जो हृदय है वो करुणा से भर आता है और आप अपना बटुआ बाहर निकालते हैं, यानी कि अपना पर्स बाहर निकालते हैं कि उसमें अगर आपको एक 10 रुपए का नोट मिल जाए तो आप उस लड़की को दे दें। लेकिन जैसे ही आप अपना पर्स निकालते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि वो लड़की आपके बहुत करीब खड़ी है, वो आपका बटुआ छीन लेती है और भागने लगती है। ठीक है, ये घटना यहां पर घटित होती है। अब आपकी कार के जस्ट बगल में एक व्यक्ति है जो मोटर बाइक पर खड़ा है, या आप इसको मोटरसाइकिल या बाइक कह सकते हैं, उस पर खड़ा है। वह इस घटना को देखता है और जैसे ही वो इस घटना को देखता है वो अपनी बाइक से उस लड़की का पीछा करता है और वह उस लड़की को पकड़ लेता है। उस लड़की को पकड़ने के बाद वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से उस लड़की को पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि ये एक चोरी का काम था। इस समय यातायात आगे बढ़ रहा है और आपकी कार जो है वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। ये एक डिलेम्मा वाली जो सिचुएशन है, असमंजस वाली सिचुएशन आपके सामने है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और जो कुछ भी आप करेंगे वो आप क्यों करेंगे। आपको इन दोनों सवालों का जवाब देना है, एक तो आप क्या करेंगे और दूसरा आप जो भी करेंगे वो क्यों करेंगे। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का या फिर इस जो केस स्टडी है इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से देंगे। देखिए, इसमें जो आप कम सामने रखेंगे, जो कार्यवाही आप सामने चलाएंगे वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। पहले नंबर पे आप क्या काम करेंगे, पहले नंबर पर तो जो आप अपनी कार है उसको पार्क करेंगे ताकि जो सार्वजनिक हित है वो नुकसान में ना आए। एक और भी बात जो आपको ध्यान में रखनी होती है बहुत सामान्य सी है कि आप सार्वजनिक हित का हमेशा ख्याल रखते हैं, तो आप अपनी कार जरूर पार्क करेंगे, कार को बीचों बीच नहीं छोड़ेंगे ताकि जो सार्वजनिक हित है उसका नुकसान ना हो। दूसरा जो काम करेंगे आप वो ये करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर वह व्यक्ति उस लड़की को पीट रहा है और तुरंत ही आप उस व्यक्ति को रोकेंगे और उससे ये कहेंगे कि वह कानून को अपने हाथ में ना ले और उस लड़की को पीटना बंद कर दे। उसके तुरंत बाद आप उस व्यक्ति को धन्यवाद कहेंगे क्योंकि उसने बहुत ही तत्परता से उस घटना को संज्ञान में लिया और उस पर साथ ही कार्यवाही भी की। लेकिन उसके साथ ही साथ आप उस बात को समझाने की भी कोशिश करेंगे उस व्यक्ति को कि देखिए लड़की बहुत छोटी है, वो भूख के कारण भी ये चोरी करने का काम कर सकती है, तो आप इतनी जो क्रूरता है उसके साथ ना बरतें। और इसके साथ ही साथ आप उनको चेतावनी भी दें। चेतावनी किस लिए दें, देखिए अब यहां पर हमने इथिकल कंसर्न कंप्लीट कर लिया है। इस स्टेटमेंट में जो सार्वजनिक हित है हमने उसका ध्यान रखा, यहां पर जो एक नैतिकता की बात हमने की थी उसका हमने ध्यान रखा, हमने तुरंत ही उस लड़की को पीटने से रोका, तो नैतिकता वाला काम हमने यहां पर ध्यान रखा। दूसरी बात कि आप उस व्यक्ति को चेतावनी देंगे कि ये एक सार्वजनिक स्थान पर है और अगर आप यहां पर शारीरिक हिंसा जैसी घटना आगे बढ़ा रहे हैं तो ये आपको कानूनी संकट में डाल सकती है। यहां पर देखिए आपने लीगल अप्रोच को ध्यान में रखा है, आपने लीगैलिटी को बिल्कुल ध्यान में रखा है और जब आप उसको इस बात की चेतावनी दे देंगे कि वो कानूनी पचड़े में फंस सकता है तो निश्चित तौर पर जो उसका क्रोध है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर 2-3 बातों का हमने ध्यान रखा, हमने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा, हमने नैतिकता को सामने रखा, साथ ही हमने जो लीगल एस्पेक्ट था, जो वैधानिक स्तर था, उस पर भी अपनी जो कार्यवाही थी उसको आगे बढ़ाया। अब हम आगे क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से केस स्टडी का आंसर दिया जाता है। कार्यवाही निम्न क्रम में होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये होगा कि अगर लड़की को चोट लगी है तो कार में उपलब्ध जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है आप उसको निकालेंगे और सबसे पहले उस लड़की का प्राथमिक इलाज करेंगे। यहां पर देखिए एक तो नैतिकता का स्तर है कि आप उस लड़की का इलाज कर रहे हैं जबकि उस लड़की ने आपका बटुआ चुराया है। दूसरी बात कि आप देखिए यहां पर जो बात की जा रही है वो व्यावहारिक की जा रही है, व्यावहारिकता का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। व्यावहारिकता किस आधार पर, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप तुरंत अपनी पॉकेट में से पेनिसिलिन की गोली निकालेंगे उस बच्ची को दे देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है आपसे, या तुरंत आप डेटॉल निकालेंगे अपनी जेब में से और उसके जो घाव है उसको धोने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि जो कार में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है आप उसको निकालेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि लगभग हर कार में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो यहां पर जो प्रैग्मेटिक चीज है, जो व्यावहारिक बात है, उसको भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। चौथा जो आप काम करेंगे वो ये है, व्यवहारिकता का जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर ध्यान दिया। चौथी जो बात है वो ये है कि आप उस लड़की का जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप किसी एनजीओ
या बाल देखभाल केंद्र को सूचित करेंगे, ठीक है, और यदि संभव होगा तो आप उसे वहां खुद ही ले जाएंगे। यहां पर हम व्यावहारिकता के परिचय दे रहे हैं कि यदि संभव हो तो आप उसका वहां ले जाएं। उसके बाद अब आप ऐसा क्यों करेंगे, हमने सवाल में पूछा था ना कि आप जो कुछ करेंगे आप क्यों करेंगे, तो क्यों का जवाब यह है कि आप उस लड़की को यथास्थिति में नहीं छोड़ सकते। अगर आप उस लड़की को यथास्थिति में छोड़ देते हैं तो वो लड़की इस चोरी जैसी घटना को दोहरा सकती है। क्यों दोहरा सकती है? क्योंकि घटना के होने का जो कारण है वह क्या है, घटना के होने का कारण जो है वो हमारे समाज में व्याप्त गरीबी है और उस लड़की की खराब देखभाल है जिसने उस लड़की को यह कार्य करने के लिए मजबूर किया है। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से गलत कार्य नहीं करना चाहता है, ठीक है, हमारा एक इनर सेंस होता है जो नैतिक होता है, मोरल होता है, तो गरीबी और खराब देखभाल ने उस लड़की को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। तो आप उस लड़की जो समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे ताकि जो घटना है उसका दोहराव ना हो, ठीक है, यहां पर एक बात का ध्यान दे रहे हैं। और पांचवा काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आप उस लड़की को उस जिस संस्था में सौंप रहे हैं, किसी एनजीओ को सौंप रहे हैं या किसी भी बाल देखभाल केंद्र को सौंप रहे हैं, उसकी नियमित जांच भी करेंगे कि उस लड़की की वहां पर स्थिति क्या है, वो वहां पर अच्छे तरीके से है या नहीं है। ये आपकी व्यावहारिकता, आपकी नैतिकता के स्तर को दर्शाएगा और आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाते हैं वो चीज भी दिखाएगा। तो इस तरीके से अगर आप केस स्टडी का सॉल्यूशन सामने रखते हैं तो एक अच्छा सॉल्यूशन माना जाएगा। देखिए आप इसमें और भी अच्छे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, इसको और बेहतर कर सकते हैं, मैंने जितना बेहतर सॉल्यूशन हो सकता था उसको बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर केस स्टडी इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं कि एक हम जो ऐसे राइटिंग के लिए कोटेशन देखते हैं वो क्या है। उधर जो हम देखते हैं वो ये है, अरस्तु का एक कोटेशन मैंने यहाँ पर रखा है, सभी व्यक्तियों को उसका अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए जो सही है, ध्यान दीजिए, जो सही है, ना कि उसका जो स्थापित है। स्थापित होने का मतलब यह है, अब देखिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं। तीन तलाक के ऊपर आप किसी निबंध को लिखने जा रहे हैं तो आप इसी तरीके से आप अपने ऐसे को शुरू भी कर सकते हैं, इसी लाइन से शुरू कर सकते हैं या फिर आप इसका इस्तेमाल बीच में भी कर सकते हैं। और आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि देखिए तीन तलाक का जो ये जो परंपरा है हमारे मुस्लिम समुदाय में वो लगभग 1400 सालों से चला आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एक स्थापित परंपरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। अगर ये हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसके खिलाफ जाता है, समानता के खिलाफ जाता है या फिर उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके खिलाफ जाता है तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस चीज का पालन करें जो वास्तविक रूप से सही है, ना कि उसका जो स्थापित है। हमारी सती प्रथा काफी लंबे समय से स्थापित थी लेकिन गलत थी, उसको खत्म किया गया। हमारे समाज में और भी कई सारी समस्याएं हैं जो बहुत लंबे समय से स्थापित हैं, पर्दा प्रथा हो गई या फिर दहेज प्रथा हो गई, कानूनी रूप से उनको गलत कर दिया गया है लेकिन स्टिल वो हमारी जो सोसाइटी है उसमें लगातार अपनी जड़ जमाए हुए हैं। तो उन संबंध में भी आप इस कोटेशन का, इस उद्धरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा आज का डिस्कशन था या परिचर्चा थी वो समाप्त होती है। अगर आपको लगता है कि ये जो हमने अप्रोच अपनाया है, एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक अच्छा अप्रोच सामने लेकर आ सकता है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप मुझे ये बात कहें कि हाँ मैं इसे कंटिन्यू करूं ताकि मुझे इस बात की जानकारी होती रहे कि हाँ जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे आपको लाभ मिल रहा है, ताकि मुझे ये काम करने में रुचि हो, मैं इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकूं। साथ ही आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी करें ताकि वो लोग जिनको वास्तव में इस चैनल की जरूरत है वो इस चैनल तक पहुंच पाए। धन्यवाद इस डिस्कशन में हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।